जहाँ डर ना हो, गलतियाँ करने का मेरी हंसी पर असर ना हो, सीखना सज़ा ना हो, जहाँ बड़े मुझमें संभावनाएँ देखें, समस्याएँ नहीं। आप वहाँ आइए, मैं ज़रूर मिलूँगी। चल रहा है, ये बच्चे बड़े सब क्यों खेल रहे हैं और कौन से खेल खेल रहे हैं? ये है खेल से मेल, इन्हें सहभागिता के खेल भी कहते हैं। आपने देखा ये सब लोग कितने स्वच्छंद रूप से खेल रहे हैं, क्योंकि इन खेलों में गलती करने के डर से आउट हो जाना, स्पर्धा, लिंग भेद जैसी चीजें नहीं होती। इसीलिए इन खेलों में आत्म परिवर्तन की ताकत है। यह सिर्फ सोच के बदलाव की बात नहीं है, ये भावना और विश्वास के भी बदलाव की बात है। बताइए तो, दो का वास्तविक मान कितना होगा? दो का वास्तविक मान कितना होगा? हम बात कर रहे हैं एनर्जी फायर के कार्यक्रम की, जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करना है दिलचस्प और नए नए मार्गों से। इसके लिए उन्होंने प्ले संस्था के जरिए अपनाया है खेल से मेल। इस कार्यक्रम की शुरुआत एनर्जी फायर से जुड़ी बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान की कुछ संस्थाओं के साथ हुई। प्ले ने अगस्त और दिसंबर 2009 में 3-3 दिनों के प्रशिक्षण दिए और हर प्रशिक्षण के बाद कार्य क्षेत्रों में जाकर प्रतिनिधियों का सहयोग और मार्गदर्शन भी किया। यह प्रशिक्षण एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की सोच पर आधारित है। गुट में सहकार्य करना, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना, निसंकोच रूप से खुद को प्रस्तुत करना और ऐसी अनेक बातों को ध्यान में रखकर यह गतिविधियां और खेल रचे गए हैं। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिनिधियों को ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिससे वो बच्चों को एक आनंदमयी और संवेदनशील वातावरण दे सके। चिकन,
ये सभी प्रतिनिधि अपने अपने इलाके के उन तबकों के साथ काम करते हैं जहां के निवासी अभी तक शिक्षा से जुड़े नहीं हैं, खास तौर से दलित और आदिवासी समुदाय। तुमसे छोटी लड़की सब आती है स्कूल में, घुमाएगी ना, खेल खेलेगी, खेलेगी ना, हाँ, कल से स्कूल आएगी, ठीक है मलका, मलका? रोज आते हो यहाँ दीदी भैया के पास पढ़ने? तुम भी आते हो? तुम लोग सब आते हो? पढ़ाई करते हो? हाँ करते हो तो ऐसा बोलो, नहीं करते हो तो ऐसा बोलो। करते हो? देखो, दिखाओ, कहाँ करते हो दिखाओ तुम। अच्छा, खेला खेलते हो जी? कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कौन सा खेल खेलते हो? कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है? कैप्टन कहता है बैठ जाओ। अच्छा, कैप्टन कहता है एक दूसरे के नाम। पहले इनको लेके स्कूल वगैरह लेके गया था एडमिशन करवाने के लिए सबको, पर इनके पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया और बच्चे भी ऐसे स्कूल का माहौल वगैरह देखे वहाँ रुकते नहीं बच्चे वगैरह सब। ये जो हमारे जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर है बिहार में, ये हमारे जो गरीब बच्चे लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, उनके लिए ये सिस्टम सही नहीं है। और अपने आप में इनको तो एक प्रकार कम ना, हम छोटे हैं ऐसे एक भावना है, तो दूसरे बच्चों के साथ में इन लोग कम्पीट करने के लिए ये लोग उनमें हिम्मत नहीं है और सक्षम नहीं है। अभिभावक फिर भी अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। एक तो हम पूर्वक निकल गया, लेकिन उनको पढ़ा देंगे, जातल जिंदगी रहेगा तातल। खेल से मेल का प्रयोग हम बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए करते हैं। इन खेलों का इस्तेमाल दिमाग के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को सक्रिय बनाता है। सहभागी खेलों के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। इन खेलों में कोई आउट नहीं होता, सभी लोग इन खेलों में आमंत्रित होते हैं। यहाँ भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। सिर्फ बोलकर सिखाने की जगह सहभागिता से सिखाया जाता है, और ये सब बातें हो तो मजा ही मजा है। अगर कोई बच्चा ऐसा फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या खो खो इस सब उतरते हैं, तो अपना पूरा वजन लेकर उतरते हैं कि हमको आउट नहीं होना है। आउट होंगे तो हमको दूसरा लोग क्या कहेंगे कि तुम शून्य पर आउट हो गया, या तुम एक भी गोल नहीं मारा, या एक भी आदमी को नहीं पकड़ा। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, बस गए, अगर हमको हाथी का नहीं आया या फल का नाम नहीं, तो चलो भाई तुम ही अब सब्जी बेचो, तुम ही किसी और को कहो कि तुम ही अब सब्जी का नाम बताओ। तो इस तरह से बच्चे का बहुत मनोबल बढ़ता है इस खेल से। फल फूल सब्जी ले लो भाई, फल फूल फल आम हो गया है, आम हो गया है। इन गेमों में कहीं भी कंपटीशन नहीं है, मतलब कोई हार जीत का कोई मतलब नहीं है, सब जीतते सब हारते हैं। तो ये मतलब एक जोड़ का काम करता है, बच्चों को दूर ले जाने का काम नहीं करता, क्योंकि एक बच्चा जीत रहा है एक बच्चा हार रहा है तो उनमें दूरियां बढ़ेगी, उनमें अपना तो नहीं आएगा। याच्यामध्ये कोणी मॉनिटर नाही, याच्यात कोणी उच्च नाही कोणत नाही, हा गरिबाचा असला तरी तो सारखा, मोठ्याचा असला सारखा, सगळे असे समावून होत जातं। याच्यामुळं कसं की हा अस्पृश्य आहे, हे खेळाच्या नादामध्ये ना कोण हा या जातीचा आहे का हा या जातीचा आहे असं काही जाणवत नाही। की ही मुलं जनरली इन्क्लूड व्हायला शिकतात, त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट, त्याचा अभ्यास कदाचित मागे असेल परंतु तो खेळामध्ये पार्टिसिपेट झाल्यानंतर त्याला शाळेविषयी गोडी निर्माण होईल। कि बच्चों के साथ अगर खेलते हैं तो वह भी आनंद लेता है, उसको भी इंटरेस्ट होता है कि नहीं सर हमारे साथ खेल रहे हैं, तो वो और अच्छा से खेलता है, यह हमने देखा है। लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, ऐसे खीर पकाएंगे, ऐसे खीर पकाएंगे, ड्रम ड्रम में खाएंगे, ड्रम ड्रम में खाएंगे, ड्रम ड्रम में खाएंगे। हमारी उम्मीद, विश्वास और लक्ष्य ये होता है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां तुलनात्मक संस्कृति से जन्मे डर और हीन भावनाओं की कोई जगह ना हो।
उषा नाम की लड़की थी, तो वो अपने आप को मतलब एक कोने में बैठी रहती थी वो, और टीचर्स भी ये समझती थी कि ये मंद बुद्धि की बच्ची है, ये कुछ नहीं कर सकती, बोल भी नहीं सकती है, अन्य बच्चे भी उसको साथ में नहीं रखते थे, लेकिन खेलते रहे अपने आप वो शामिल हो गई उसमें, बातचीत करने लग गई, सब बच्चों के साथ बैठने लग गई, इन खेलों के माध्यम से वो आए वो। तो खेल ही नहीं है, एक बच्चे को मतलब पूर्ण शिक्षा देते हैं ये खेलों के माध्यम से, बहुत कुछ मिल रहा है उनको। जैसे पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते थे, अब सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं। पहले तो ये बोलते थे लड़के लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियाँ रस्सी कूद खेलेंगी, लेकिन अब वो साथ में खेलते हैं। हमारे लड़के लड़की में जो मतभेद था, जैसे कि ये लड़का खड़ा और इधर लड़की खड़ी है, तो ये आपस में हाथ नहीं पकड़, ये मेरा भी हाथ पकड़ने में संकोच करते थे, लेकिन जब अब मैं इनके साथ खिलाती हूँ ना, तो ये नहीं सोचते कि मेरे पास बॉयस है कि गर्ल्स है कि मैडम है कि सर है। जो बच्चे लगातार काफ़ी समय से अनुपस्थित थे विद्यालय से, जिनका हम भी प्रयास कर रहे थे, हमारे टीचर्स भी डोर टू डोर कन्वेंस कर रहे थे, तो इनके समर्पित प्रयास से ही हुआ वो बच्चे, उनमें से कुछ प्रतिशत बच्चे आने लगे। तो 7-8 बच्चे थे जो बकरियाँ चराते थे, मैंने 2-3 बार उनके घर पर भी ट्राई किया, पर वो सेंटर पर नहीं जुड़ पाए, तो खेतों में एक दिन दिख गए मेरे को, उनके साथ ही जाके मैंने उनके साथ कुछ खेल एक्टिविटीज़ वगैरह की, खेल एक्टिविटीज़ वगैरह से वो इतने घुल मिल गए कि वो मतलब एक तरह से उनके जो टीचर के प्रति और शिक्षा के प्रति वो जो डर था उनके मन में, वो सब्जी जगह वगैरह सब ठीक हो गए, और अब वो बच्चे वगैरह जो बकरे वो 7-8 बच्चे थे बकरे चलाते थे, वो अब सेंटर पे आते रोजाना। इससे क्या है कि एक सहज भाव से बच्चा उस चीज़ को पकड़ रहा है, शिक्षा की ओर आकर्षित सीख भी रहा है और खेल भी रहा है, तो इस तरह के जो पैटर्न आपने अडॉप्ट किए बहुत अच्छे। शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, उसका विकास तो होगा ना, खेलों से तो विकास होता ही। छोड़ दिया था ना स्कूल आना, फिर अब अच्छा लगता है स्कूल आना, स्कूल डेली स्कूल आ करेगी यहाँ पे और पढ़ेगी डेली अगर नहीं, और खेलेगी भी, अच्छा लगता है ना खेलना, और किताब पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ और क्या क्या अच्छा लगता है, दुख अच्छा मारी कड़िया, वो डांस करेगी है, बताइए करके बताइए। अरे डिगी पति कल्याण दड़ी मार टुकड़ा की जे मेट रे, दुखे चे मारी कणिया, दुखे चे मारो पेट रे, दुखे चे मारी कणिया, दुखे चे मारो पेट। बहुत अच्छा। मतलब बच्चे अपनी दिल की बात को भी कह देते हैं, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा खेलते हैं तो ज्यादा घुल मिल जाते हैं हमारे साथ, तो इसलिए उनको भी झिझक नहीं रहती, शर्माहट उनकी दूर हो जाती है कि अरे मैडम भी तो ऐसी हमारे जैसी, तो इनको हर बात हम क्या देंगे। अगोदर शिक्षण म्हणजे काय हेच माहिती नव्हतं, आता शिक्षणाचीच मुडी झाली त्यांना, म्हणजे पहिले ना बाय आमच्या इथल्या मॅडम आहेत ना, अख्ख्या वार्डामध्ये हिंडावं लागायचं प्रत्येकाच्या घरी की तुमचे मुलं पाठवा, मुलं बसायचे लपून, मग आता तसं करत नाहीत, आता मनाने येतात शाळेत। ते गाणे आतापर्यंत आम्ही पण कुठं ऐकलेली नव्हती, त्यामुळे ते नाविन्य असल्यामुळं ते आम्हालाही थोडी उत्सुकता होती, आम्हीही थोडंसं त्यामधून शिकलो। त्यांना म्हणजे ठराविक आमचे वार आहेत ना, आठवड्यातून कोणत्या वारी आपण जातो, त्या दिवशी तर ते म्हणजे त्यांचा व्यवसाय बंद करून शाळेत असते। जो बच्चा कमजोर था पढाई में, खेल के माध्यम से सीख जाता है पढाई में, उनको कैसे किस तरह मतलब पढाई में उनको आगे बढ़ना है, वो पढ़ाई में नहीं होके खेल के द्वारा वो आगे बढ़ रहा है, जिससे उनका बौद्धिक विकास हो रहा है। तुझं नाव काय? बाब्या। बाब्या खेळतो का? कुठला खेळ? हाती का बच्चा दाखव मला, सांग। हाती का बच्चा कसं करना करून दाखव। हाती का बच्चा चला खेळायचे आपल्याला। प्रत्येक मुलाच्या व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीनं स्टेज डिअरिंग जे म्हणतो आपण, ते त्या मुलामध्ये निर्माण झाली। यहा तो देहात के बच्चे अंग्रेजी बहुत कम जानते थे, लेकिन जब से ये खेल आया है, एक खेल है किट पक्की, उस खेल को एक बार हम खेला दिए, इसके बाद सब बच्चा नाम जान गया आसानी से, सभी जानवर के बच्चों का नाम जान गया, इस तरह से बहुत फायदा देख रहे हैं। पहाड़ा का खेल होता है तो उसमें पहाड़ा का उनको आ जाता है, फिर गिनती सीखता है उसी में, उसमें सम संख्या विषम संख्या भी सीखता है, फिर उनमें उनका मतलब सतर्कता रहना सीखता है इस खेल के द्वारा।
और ख़ास हम देखें कि हमारे नज़दीकी सरकारी विद्यालय पर खेल का बहुत असर पड़ा, जो वहाँ को के सरकारी टीचरगण हमारे विद्यालय का खेल का अनुकरण अभी कर रहे हैं। जो सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं इतना जिद करने लगे, रोज के रोज बोलते रहते हैं सर एक खेल और कराइए, एक खेल और कराइए। बदलाव तो तभी मुमकिन है जब खुद पर विश्वास करने से हमें कोई डर ना रोके। जैसे स्कूल कुछ हमारे ऐसे हैं कि उनमें ना हमें स्कूल से बाहर जाके बच्चों को खेल खिलाना पड़ता है, तो जो आसपास के लोग हैं ना वो ऐसे मजाक से उड़ाते थे हमारा, कह रहे क्या करा रहे हैं। जैसे स्कूलों में लेसन चलते हैं एसटीसी बीएड वालों के, जो बच्चे होंगे वो भी हमें देख के ऐसे हंसते थे। मुझे क्या थोड़ा शर्म सी लगती थी कि मैंने कहा मैं नहीं खिला रही ऐसे, तो फिर अब नहीं लगता। लेकिन अब तो मतलब बच्चों के साथ खेलते तो उन्हीं के साथ जैसे हो जाते, अब गुण अब नहीं लगता ऐसे। मेरे को इसका काफ़ी प्राउड होता है कि इस काम की वजह से और इस खेलों की वजह से इतना जुड़ा, बच्चों के पास घुल मिल गया, उनके साथ अटैचमेंट हुआ है मेरा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ इतना रेस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे को। मुख्य फरक असा झाला की मी आज मुलांना मारत नाही आहे माझ्या, आणि रागवत देखील नाही आहे, आणि मी निश्चित ठरवलंय की चालेल काही हो मी मुलांना मारणार नाही आणि रागवणार देखील नाही, समजून सांगणार। प्ले च्या ट्रेनिंगमधून जे घेतल्यामुळं मी तिथल्या जवळजवळ 433 मुलांना ह्या प्लेचं ट्रेनिंग देऊ शकलो। अपने आप में हम लोग भी खेल के माध्यम से कुछ सशक्त हो जाते हैं, कुछ स्फूर्ति आती है, बहुत मज़ा आता है। जैसे बच्चे लोग उछल कूद के खेलते हैं, साथ साथ हम लोग जो खेलते हैं हम लोगों को भी खूब मज़ा आता है। आपको खेलने का मन नहीं करता? कौन सा खेल आप देखिए तो अच्छा लगता है? कोई खेल कौन खेल अच्छा लगा वाला? हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा। बच्चा लोग के साथ हम भी बोल लेते हैं, और भीड़ में भी हमको बोलने का हिम्मत नहीं होता था, अभी खेल के द्वारा हम भी कुछ बोल लेते हैं। जब मैं फर्स्ट बार कोटा में जब ट्रेनिंग लिया, वहाँ से जब आए तो फादर जी बोले मनोहर जी आपको सभी टीचर और अनुदेशक को ट्रेनिंग देना है, 16 टीचर और 4-5 अनुदेशक। तो हमारे मन में हिचकिचाहट थी कि सभी को हम मैं दे पाऊंगा कि नहीं ट्रेनिंग, लेकिन फिर हिम्मत जुटाए, उसके बाद हमारे अंदर में आत्मविश्वास जगा और एक के बाद एक 15 मन का खेल टीचर को सिखा दिए। और सोचे कि अब तो गाँव में पढ़ाने हैं, दूर कहीं जाना नहीं है, तो 3 घंटा समय देना कोई ये बात नहीं है। तो हम गए मुसहरी में, और हम वहाँ पर गए तो हमको शुरू में तो लगा कि यहाँ 3 घंटा कैसे समय दे पाएंगे, लेकिन जब हमको खेल ऐसा मैंने अच्छा लगा तो हम सोचे कि 3 घंटा का कि हम 4-5 घंटा भी समय यहाँ बिता सकते हैं। तो बच्चे खेलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। किसी बच्चे में कोई सुधार दिखता है? स्कूल सुधार, बहुत सुधार। क्या सुधार कुछ बता सकते हैं? बढ़िया कैसे खेल कूद बढ़िया करता है। बोली चाली से बढ़िया हो गया, बोल चाल बढ़िया हो गया, और अच्छा लगा और बेकार तोड़ लगा, अच्छा ही लगा। कसम आटे खेल तो सुंदर है। तो खेल से क्या फायदा होता है आपको ये बताओ? ये समझदारी होता है, खेल अच्छा भी लगता है। और पढ़ाई से क्या फायदा होता है? पढ़ाई से बहुत बहुत कठिन कठिन अथी याद होता है, शब्द याद होता है, बुद्धि आता है। आमचे पारधी आणि भिलांची मुलं त्याच्यामध्ये मिसळून गेलेत, आणि त्याच्यापासून कसं की एक जाणवतं की अस्पृश्यता कमी झाली त्याच्यामुळं, असं वाटतं की सगळे एकत्र मिसळून एक मैत्री आणि एक दोस्ती निर्माण झाली, वातावरण तयार झालं। अभी बच्चे तो खुद आ जाते हैं विद्यालय, एक फर्क ये हुआ। दूसरी बात, अभिभावक भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि चलो विद्यालय के लिए तैयार करते हैं, बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। यह सभी गुणात्मक बदलाव हो रहे हैं पहली सतह पर, और इसी के साथ साथ एक दूसरी सतह पर भी बदलाव होते नजर आ रहे हैं, मान्यताओं में, बरसों से चले आए तरीकों में और लोगों की सोच में। अभी
तो क्या अपन कोई तरीके से बच्चों को जोड़ा है अपन ने स्कूलों से इन खेलों के माध्यम से, अब उसके साथ अपने बच्चों को क्या काम करना है, उनकी किस प्रकार से डिस्क्वालिटी पहचाने जाएगा, उसका किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा उनके अंदर, स्टेज बाय स्टेज को कैसे चलाना जाएगा, इस चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। आमचं प्रथम त्याला महत्त्व असेल की इंटी डिंटीच्या ग्रुपमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी वस्तीज असतील, शाळा असतील, मुलं असतील, त्या मुलांमध्ये हे खेळ गेले पाहिजेत। आणि त्याच्यासाठी आम्ही काही मुलंच तयार करणार आहोत, काही कम्युनिटीमधली काही लोकं तयार करणार आहोत, तसेच जे टीचर्स आहेत इंटर्नशिपमध्ये असतील, शिक्षण सेवक असतील, अशा शिक्षकांना आम्ही आमच्यासोबत घेऊन त्यांना ट्रेनिंग देऊन त्यांना त्या शाळेमध्ये त्या शाळेच्या परिसरामध्ये आम्ही ते त्यांना खेळ शिकण्यास प्रवृत्त करणार आहोत। प्रत्येक गावामध्ये शिक्षक लोकांचं ट्रेनिंग, प्रत्येक शाळेतून एक तिथले त्या समजा एक शिक्षक आणि एक शिक्षिका ह्यांचं जर ट्रेनिंग झालं तर मला वाटतं की हे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण गावापातळीवर जाऊ शकतो आणि ॲडव्होकेसी मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ शकते। बहुत सारे टीचर लोग ये नहीं जान रहे हैं कि मनोरंजन उनों के एक अधिकार है, बहुत लोग नहीं जान रहे हैं, तो मन इसको भी उनको दिमाग में डालना है। और जैसे बच्चों लोगों को पिटाई करना है तो ये ट्रीटमेंट ना वो सभी खेल के द्वारा हम लोग उनको मन में ले आते, ये तो लॉन्ग लास्ट इफेक्ट जरूर हमारे जो फॉर्मल स्कूल के टीचर लोग में है, हमारे पेरेंट्स में हो और हम में जो हम लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं ये जरूर होना चाहिए। मैं सरकारी विद्यालय में जाकर खेल बच्चों के साथ में, बरगोड़िया के सरकारी विद्यालय में बच्चों के साथ में खेलाए हैं, वहाँ के टीचर भी खेल में सम्मिलित हुए हैं और वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड, और ये नहीं खेल खिलाने जिस दिन खेल खिलाते हैं उस दिन बच्चों की संख्या भी बढ़ जाता है सरकारी विद्यालय में, तो ये तो बहुत अच्छा है और इसको हम लोग अपना के ही रखेंगे। यहाँ से जुड़े मैंने क्या एनर्जी से प्रोजेक्ट चले या ना चले, लेकिन हम लोग इस खेल को एकदम कायम रखेंगे, इसको तो लग रहा है कि आप सदा मैंने क्या जीवन तक भूलेंगे ही नहीं इसको। हिम्मत के हथियार चाहिए, नफरत नहीं प्यार चाहिए, अपने हाथों में अपनी कश्ती की हो पतवार। हिम्मत के हथियार, हिम्मत के हथियार, हमको सबका साथ चाहिए, हर झगड़े की मात चाहिए, नेक इरादों के मौसम से ये दुनिया आबाद। हिम्मत के हथियार, हिम्मत के हथियार, सबके दिल में आस चाहिए, उम्मीदों की प्यास चाहिए, मौसम बदलेंगे जब बदले मौसम के आसार। हिम्मत के हथियार, हिम्मत के हथियार, हिम्मत के हथियार, हिम्मत के हथियार।